नमस्कार सभी को। आज हम भक्तिम पाठ के महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखा हुआ जो पाठ है, इस पाठ के प्रश्नोत्तर कर रहे हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज हम करेंगे इस वीडियो में। हमारा पहला प्रश्न है कि भक्तिम पाठ के आधार पर पंचायतों की क्या तस्वीर उभरती है। पंचायत जो होती हैं, ग्राम पंचायत होती हैं, उनकी तस्वीर जो है वह यह है। इसमें चार ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, इसमें सही जवाब है पंचायतें गूंगी, लाचार और अयोग्य हैं, ये हमें पता चलता है। बाकी के जो तीन ऑप्शन हैं वो सही नहीं हैं। हम समय की बचत के लिए इन्हें पढ़ नहीं रहे हैं, आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न आएगा, भक्तिन किस प्रकार का भोजन बनाती थी। तो वह सीधा और सरल भोजन बनाया करती थी। यहाँ पर ऑप्शन सी सही जवाब है, सीधा और सरल भोजन भक्तिन बनाया करती थी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि भक्तिन में कौन सा भाव प्रबल था। तो उसमें जो भाव प्रबल था वह था पाठ के अनुसार स्वाभिमान का भाव। आंसर बी यहाँ पर सही जवाब है, स्वाभिमान का भाव। चार ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, उसमें से हमें एक ऑप्शन चूज करना है, तो आंसर है स्वाभिमान का भाव था भक्तिन में। पाठ के अनुसार खोटे सिक्कों की टकसाल का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर कन्याओं को जन्म देने वाली पत्नी को खोटे सिक्कों की टकसाल बताया है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। चार ऑप्शन मिल रहे हैं, उनमें से सही हमारा जवाब है कन्याओं को जन्म देने वाली पत्नी को खोटे सिक्कों की टकसाल कहा है। महादेवी ने लक्ष्मी को भक्तिन कहना क्यों आरंभ कर दिया। पाठ के अनुसार हम ये देखेंगे, तो उसके गले में जो कंठी माला उसने पहनी हुई थी उसको देख करके वह भक्तिन की तरह की दिखाई देती थी, भक्ति करने वाले की तरह दिखाई देती थी, इसलिए महादेवी जी ने उसे भक्तिन नाम कहना शुरू कर दिया, जबकि वास्तविकता में उसका नाम लक्ष्मी था, लेकिन महादेवी जी ने उसको भक्तिन कहा। भक्तिन किसके लिए लड़ाई लड़ती रही। अपनी बेटियों के हक के लिए उसने हमेशा लड़ाई करी, क्योंकि उसकी काफ़ी सारी बेटियां हो गई थी, इसलिए उसको परिवार में ताने सुनने को मिलते थे। खोटे सिक्कों की टकसाल तक उसे कहा जाता था, तो हमेशा अपनी बेटियों के हक के लिए वह लड़ाई करती थी। भक्तिन पाठ की रचयिता कौन है। महादेवी वर्मा जी ने पाठ लिखा है, इसलिए सही जवाब है आंसर बी महादेवी वर्मा। भक्तिन महादेवी से कितने वर्ष बड़ी थी। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब है, वो 25 वर्ष उनसे बड़ी थी। भक्तिन किसके समान अपनी मालकिन के साथ लगी रहती थी। पाठ के अनुसार अगर हम बात करें तो वह छाया के समान हर समय लेखिका के साथ रहा करती थी। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है, छाया के समान भक्तिन अपनी मालकिन के साथ लगी रहती थी। मालकिन यहाँ पर माँ देवी वर्मा जी हैं, तो वह छाया के साथ ये तरह उनके साथ साथ रहती थी। भक्तिन का सूरवीर पिता किस गांव का रहने वाला था। तो झुस्सी गांव का वह रहने वाला था। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब। भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था। तो भक्तिन का वास्तविक नाम था लक्ष्मी, और लक्ष्मी नाम भी था उसका, लेकिन महादेवी वर्मा जी ने उसका नाम भक्तिन रखा था उसकी गले की कंठी को देख। भक्तिन का विवाह किस गांव में हुआ। भक्तिन का विवाह हंडिया गांव में हुआ। ऑप्शन ए यहां पर सही जवाब है, हंडिया। इनका गौना किस आयु में हुआ। तो 9 वर्ष की आयु में उसका गौना हो गया था। भक्तिन की कितनी जिठानियाँ थी। तो भक्तिन की यहाँ पर 2 जिठानियाँ थी। ऑप्शन सी सही जवाब है। प्रश्न आ रहा है कि भक्तिन का विवाह किस आयु में हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 5 वर्ष की आयु में भक्तिन का विवाह हो गया था। प्रश्न आ रहा है कि महादेवी ने भक्तिन के जीवन को कितने परिच्छेदों में विभक्त किया है। तो उनके जीवन को 4 भागों में बांटा है। प्रश्न आ रहा है कि भक्तिन का नामकरण किसने किया। यहाँ पर महादेवी जी ने उनका नाम रखा था भक्तिन, इसलिए सही जवाब है महादेवी ने। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। प्रश्न आ रहा है कि ससुराल में भक्तिन के साथ सदव्यवहार किसने किया था। उसके पति ने उससे अच्छा व्यवहार किया था। तो सही जवाब है
ऑप्शन बी उसके पति ने, बाकी सभी ने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था, तो ये गलत है, बाकी बी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब। प्रश्न आ रहा है कि सास और जिठानियाँ भक्तिन के साथ कैसा व्यवहार किया करती थी। ऑप्शन ए ही यहाँ पर सही जवाब है, क्रूरतापूर्ण व्यवहार वो किया करते थे हमेशा भक्तिन के। प्रश्न आ रहा है कि भक्तिन के ससुराल वालों ने उसके पति की मृत्यु पर उसे पुनर्विवाह करने के लिए क्यों कहा। पुनर्विवाह होता है दोबारा शादी करना, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है, ताकि वे भक्तिन के घर संपत्ति को हथिया सकें, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा कि वह दोबारा शादी कर ले। प्रश्न आता है कि हमारा समाज विधवा के साथ कैसा व्यवहार करता है, तो सही जवाब है ऑप्शन बी, असम्मानपूर्ण व्यवहार हमारे समाज में विधवा स्त्रियों के साथ किया जाता है, और उसको यह पाठ बताता है महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखा हुआ।